पूरे देश में कल से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। उससे पहले जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बुराड़ी विधानसभा में भी एक HDM कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया, बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज 2 अक्टूबर कल गांधी जयंती है, उसको हमने स्वच्छता अभियान के रूप में बनाया है और उसके लिए हम लोग आज रैली का हम लोग प्रोग्राम ये बनाया है ताकि यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को प्लास्टिक के यूज ना करने के लिए और स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, उनको जागरूक करें। उसके लिए हमने एक रैली का आयोजन किया है जिसमें SDM कॉन्वेंट स्कूल के सभी बच्चे, सभी मैनेजमेंट कमेटी, स्थानीय निगम पार्षद और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो भी हमारे लोग सभी शामिल हैं। साथ में एक NGO हमारे साथ शामिल है, जय हिंद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड हेल्थ जोश, और सभी लोग मिलजुल के इस क्षेत्र में प्लास्टिक के बैन को लेके और स्वास्थ्य को लेके और साफ सफाई को लेके हम लोग जागरूकता अभियान हम लोग ने चलाया है, जिसके लिए अभी रैली निकाल रहे हैं और यहाँ आसपास के लोगों को यह प्रोग्राम हमारा 3-4 दिन रेगुलर चलेगा। इस रैली में स्कूली बच्चों के साथ साथ MCD के कई अधिकारी और स्थानीय निगम पार्षद भी लोगों को जागरूक करने के लिए रैली में सम्मिलित हुए और इन्होंने लोगों से अपील की कि हर किसी को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। रैली के दौरान MCD कर्मचारी सफाई करते हुए और दवाइयां छिड़कते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये चीजें तभी संभव है जब हर व्यक्ति स्वयं से जागरूक होगा और कोई भी सामान लेने के लिए बाजार जाते समय घर के लिए जाने से पहले गगर के कपड़े का थैला लेकर जाना शुरू करेगा। सर्वप्रथम तो मैं जो है SDM पब्लिक स्कूल जो हमारा यहाँ पर खुला हुआ है उनके पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल को डॉक्टर अमर बेग जी को और MCD के अधिकारी और हमारे यहाँ से निगम पार्षद उर्मिला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सुरसिया जी, राममूर्ति जी, सबको शुभकामना देता हूँ गांधी जयंती के भी और आने वाली हमारे लाल बहादुर शास्त्री जयंती की। बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए रैली इसीलिए निकाली गई कि बच्चे किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाते हैं और यही वजह थी कि निजी स्कूल ने सैकड़ों बच्चों के साथ बैनर और पोस्टर लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए रैली निकाली। इस रैली में महात्मा गांधी स्वरूप एक बच्चा सबसे आगे चलते हुए लोगों को जागरूक कर रहा था। कुछ मिलाकर जगह जगह पर सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो कि कितना सफल साबित होगा। निकाल रहे हैं कल 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान के लिए, ये लोगों को हम सूचित कर रहे हैं कि इससे हमारा देश साफ रहे। पॉलीबैग जो वो है जो हमारे देश को गंदा रख रहा है, इससे मच्छर कहीं कहीं तरह की बीमारी हो रहा है, इसे हमें तुरंत बंद करना चाहिए। इसलिए सर इससे हम इसे इसलिए जागरूक करेंगे कि लोगों प्लास्टिक पॉलीबैग जो होते हैं उसमें कूड़ा रख लेते हैं, फेंक देते हैं प्लॉट व्लॉट में जिसके बने नहीं होते, उसे फिर जला देते हैं, उससे कहीं कहीं जो पॉल्यूशन धुआं निकलता है, फिर पॉल्यूशन धुएं को फिर वो लोगों के पास जाता है, उससे बीमारियां फैलती हैं, कहीं डेंगू टाइफाइड ये तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, इसीलिए हमें इन सब चीजों को बंद करना चाहिए। कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से देश में बंद हो जाएगा, लेकिन एक बात सच है कि यदि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक का बंद होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। नसीम अहमद की रिपोर्ट, AA News।